हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप हरिद्वार में आते हो और आप हरिद्वार में घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आज के वीडियो में हम आपको सबसे पहले जो यात्रा करा रहे हैं वो हरिद्वार की चंडी देवी माता मंदिर और मनसा देवी माता मंदिर, दोनों मंदिरों की आज हम अपने वीडियो में आपको यात्रा करा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को आप ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको दर्शन कराते हैं मनसा देवी माता मंदिर का, जिसमें हम माता के आपको आज दर्शन कराने वाले हैं और आज हम माता मंदिर की जो स्टोरी है वो आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। फिर हम उसके बाद आपको लेके जाएंगे चंडी माता मंदिर, जहाँ पर आपको चंडी माता के दर्शन कराएंगे, क्योंकि माता चंडी के दर्शन किए बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी है। तो आज आप हमारे साथ माता चंडी देवी के दर्शन जरूर करिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो काम है वो ट्रैवलिंग का भी है, और अगर आप हरिद्वार में आते हो आपको टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है। अगर आप कहीं भी का भी टूर प्लान बना रहे हो, चाहे उत्तराखंड में आपको कहीं भी जाना है, अगर आपको चार धाम यात्रा करनी है या आपको ऋषिकेश, हरिद्वार, नीलकंठ, मसूरी, कोई भी आपको टूरिस्ट पैलेस में घूमने हेतु टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है, तो इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर हमसे ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। दोस्तों, आप हरिद्वार में आके मनसा देवी माता मंदिर जाने के लिए आप पैदल यात्रा भी कर सकते हो और आप उड़न खटोले के द्वारा भी माता मनसा देवी के मंदिर में जा सकते हो। और पैदल यात्रा करने के लिए आपको 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके ऊपर माता के मंदिर जाना पड़ेगा। और दोस्तों, अब हम उड़न खटोले के द्वारा माता के मंदिर पहुँच चुके हैं। अब हम आपको माता के दर्शन कराएंगे, माता मनसा देवी मंदिर के, और मंदिर के बारे में जो स्टोरी है, जो माता के मंदिर की कहानी है, जो जिस माता जिस पर्वत के ऊपर स्थित है उसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। माता मनसा विषहर माता भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इसी कारण इनका नाम मनसा पड़ा। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरदकारु है और इनके समान नाम वाले पति महर्षि जरदकारु तथा पुत्र आस्तिक जी है। इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा है। इनके प्रसिद्ध नाम मंदिर एक शक्तिपीठ पर हरिद्वार में स्थित है। समय आने पर भगवान शिव ने अपनी पुत्री का विवाह जरदकारु के साथ किया और इनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक ने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया। राजा नहुष इनके जीजा लगते हैं। इनके बड़े भाई भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा है तथा इनकी बड़ी बहन देवी अशोक सुंदरी और देवी ज्योति है। भगवान गणेश इनके छोटे भाई लगते हैं। तो मित्रों, ये थी स्टोरी माता मनसा देवी की। मित्रों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम अब चलते हैं माता चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी माता मंदिर हरिद्वार से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ पर जाने के लिए आप रोपवे से भी जा सकते हो और वहाँ से पैदल का रास्ता भी जाता है, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है माता मंदिर दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अब हम पहुँच जाते हैं माता के मंदिर में, तो आइए आप भी हमारे साथ में दर्शन करिए माता चंडी देवी के। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चे मन से इस दरबार में जो भी आता है उसकी मुराद कभी खाली नहीं जाती। तो अगर आप कभी भी हरिद्वार में आते हो तो माता चंडी देवी के दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं चंडी देवी माता मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है, जिसके एक कोने में नील पर्वत स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो दूसरे स्थान पर दक्षेश्वर स्थान वाली माता पार्वती। धार्मिक कथाएं प्रचलित है, यहीं पर देवी सती योग अग्नि में भस्म हुई थी और पहाड़ी के तीसरे कोने पर बिल्व पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान है। इससे जुड़ी मान्यता ये भी है कि माता सती का मन गिरा था, जिस कारण इस स्थान को मनसा देवी नाम से जाना जाता है। आपको बता देता हूँ, चंडी देवी मंदिर गंगा नदी के दूसरी ओर
नील पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण कश्मीर के राजा सुचेत सिंह के द्वारा 1929 ईस्वी में कराया गया था। मंदिर से संबंधित किंवदंतियों की माने तो चंडी देवी ने शुभ निशुम के सेनापति चंड और मुंड को यहीं मारा था, तो वही इस स्थान पर आदि शंकराचार्य ने चंडी देवी की मूल प्रतिमा स्थापित कराई थी। कथा के अनुसार चंड मुंड के वध के बाद देवी माता ने समस्त देवताओं से वर मांगने को कहा, जिस पर स्वर्ग लोक के सभी देवताओं ने माता को इसी स्थान पर विराजमान होने का वर मांगा। बताया जाता है माँ रुद्र चंडी यहाँ एक खम्बे के रूप में स्वयंभू अवतरित है। हरिद्वार के प्रमुख 5 तीर्थों में से माँ चंडी देवी मंदिर को मुख्य माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कथा माता चंडी देवी मंदिर की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। इसी के साथ हम अपनी यात्रा को विश्राम देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी ही आने वाली अगली वीडियो में। मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय केदार, नमस्ते मित्रों।